seen it. So beginning with this series, today we are starting with cost and revenue. Our today's topic is cost and revenue. So let's begin with the cost and revenue. Before that, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए, अदरवाइज हमें वीडियोस की नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएंगे, राइट? सो स्टार्टिंग विद द कॉस्ट. कॉस्ट क्या होता है, कॉस्ट का मीनिंग क्या है? अभी हम लोग जब भी कोई चीज परचेज करते हैं या हम बिजनेस करते हैं, हम बात करते हैं प्रॉफिट की, हम बात करते हैं सेल्स की. हम बात करते हैं प्रॉफिट की, हम बात करते हैं कॉस्ट की, हम बात करते हैं सेल प्राइस की. तो कॉस्ट, जब हम प्रॉफिट की बात करते हैं तो हमारे लिए कॉस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है, ठीक है? कॉस्ट हमारे लिए क्या हो जाता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जब भी हम बात करते हैं कॉस्ट के लिए. सो सबसे पहले हमें समझना है कि कॉस्ट होता क्या है. जब भी हम प्राइस डिटरमिनेशन करते हैं, प्रॉफिट कैलकुलेशन करते हैं, तो कॉस्ट सबसे पहले हमें समझना बहुत जरूरी होता है. तो हमें पता होना चाहिए कि कॉस्ट क्या है, ठीक है? तो कॉस्ट, यूजुअली हम कॉस्ट किसको बोलते हैं, जो भी पैसा हम बिजनेस में क्या कर रहे हैं, लगा रहे हैं, हम जो भी पैसा बिजनेस में हम इन्वेस्ट करते हैं, दैट इज द कॉस्ट. तो यहां हमें बताया है कॉस्ट इज दी टोटल, कॉस्ट रेफर्स टू द टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ अ कमोडिटी. आप कोई भी प्रोडक्शन जब करते हो, कोई भी हम बिजनेस कर रहे हैं, प्रोडक्शन एक्टिविटी कर रहे हैं, ऑफकोर्स हम आज कुछ बना रहे हैं, हम आज कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स हम क्या करेंगे, हमें बहुत सारी चीजें चाहिए होती है. रॉ मटेरियल चाहिए होता है, हमें मशीन चाहिए होता है, हमें लेबर चाहिए होता है, बहुत सारी चीजें हमें चाहिए. तो इन सब पर जो हम पैसा खर्च करते हैं वो सब हमारा किस में आता है, कॉस्ट में आता है, राइट? नाउ कॉस्ट एनालिसिस. अब जब हमें प्रॉफिट कमाना है, हम बिजनेस कर रहे हैं, मुझे कॉस्ट पता चल गई, कॉस्ट मेरी क्या होती है. अब जब मुझे प्रॉफिट अर्न करना है तो मैं क्या करूंगा, मैं कॉस्ट को स्टडी करूंगा, मैं कॉस्ट को एनालाइज करूंगा. ऑफ कोर्स तभी तो मुझे पता चलेगा कि मुझे आगे बिजनेस कंटिन्यू करना है या नहीं करना है, ठीक है? तो कॉस्ट एनालिसिस रिफर टू द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ कॉस्ट इन रिलेशन टू वन और मोर प्रोडक्शन क्राइटेरिया, नेमली साइज ऑफ आउटपुट, स्केल ऑफ प्रोडक्शन, प्राइसेस ऑफ फैक्टर्स एंड अदर इकोनॉमिक वेरिएबल्स. मतलब जब हम कॉस्ट एनालिसिस करते हैं तो कॉस्ट एनालिसिस में हमें मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये समझना है कि यहाँ पर जो हमें प्रॉफिट हो रहा है या जो हम पैसा खर्च कर रहे हैं वो हम किन चीजों पर कर रहे हैं. तो एनालिसिस का मीनिंग है, यहाँ आपको हर एक चीज का बिहेवियर समझना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा मटेरियल पर पैसा जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा लेबर पर पैसा जा रहा है, तो मुझे कॉस्ट का बिहेवियर समझना पड़ेगा कि इंक्रीज रेट पर जा रहा है और क्या उससे मुझे अर्निंग हो रही है, क्या उससे मुझे पैसा मिल रहा है, क्या उससे मुझे बेनिफिट हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल, मेरा कॉस्ट अगर 5 रुपीज लगता है तो ऑब्वियसली मैं ये एनालाइज क्यों कर रहा हूँ कि इस साल मेरा 5 रुपीज लगा है, नेक्स्ट ईयर अगर मेरा 7 हो जाएगा तो क्या मैं उसको 10 रुपीज या 8 रुपीज या 12 रुपीज में मैं सेल कर सकता हूं, मैं प्रॉफिट अर्न कर सकता हूं. तो ये मुझे एनालाइज करने का ये हमारा प्रोसेस होता है. कॉस्ट फंक्शन को हम बताते हैं, कॉस्ट फंक्शन का जो डेफिनेशन है वो रिलेशनशिप है किस में, ये डेफिनेशन ये इक्वेशन को ही शो करता है. कॉस्ट इज डिनोटेड बाय सी दैट क्यू इज क्वांटिटी. तो कॉस्ट इज द फंक्शन ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटी पर क्वांटिटी का ही फंक्शन है. क्वांटिटी जैसे जैसे फंक्शन करेगा, जैसे जैसे बढ़ेगा, वैसे वैसे आपका कॉस्ट में वेरिएशन आता जाएगा. नेक्स्ट, कॉस्ट कॉन्सेप्ट्स और टाइप्स ऑफ कॉस्ट. इसमें मैंने बहुत सारे टर्म्स दिए, पता है जब हम अभी पढ़ेंगे इन डिटेल आपको ऐसा लगेगा कि कुछ कॉस्ट मतलब सेम है, हमने नेम चेंज कर दिया लेकिन लगेगा कि उनका कॉन्सेप्ट सेम है. तो क्या होता है, ये डिपेंड करता है कि अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से और नॉन अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, नॉन इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से. जब हम मेजर क्लासिफिकेशन करते हैं ना, दैट इज मॉनेटरी, सोशल, रियल एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये हम कुछ 3-4 मेजर डिविजन्स करते हैं. बट मैंने एक ब्रॉड डिविजन दिया है कि टर्म कोई भी आ जाए एग्जाम में हमें कंफ्यूजन नहीं होगा, हमें पता होता है, ठीक है? नाउ मॉनेटरी कॉस्ट, एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट, रियल कॉस्ट, सोशल कॉस्ट, इकोनॉमिक कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, संक एंड हिस्टोरिकल कॉस्ट, फ्लोटिंग कॉस्ट एंड प्राइम कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट. नाउ अभी ये एक
इतने सारे आपने नेम्स बोल दिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं मॉनेटरी कॉस्ट के। मॉनेटरी मतलब मनी, मतलब पैसा। जो भी कॉस्ट आप चाहे बाहर पे कर रहे हो, चाहे खुद के रिसोर्सेज लगा रहे हो, कुछ भी, जहां भी हमारा पैसा लगता है, हम पैसा खर्च कर रहे हैं, वो सब हमारा क्या है? मॉनेटरी कॉस्ट है। अब आता है एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कॉस्ट की जब हम बात करते हैं तो क्या होता है? एक्सप्लिसिट कॉस्ट बाहर, जब आप आउटसाइडर्स को पेमेंट कर रहे हो, दैट इज योर एक्सप्लिसिट कॉस्ट। इम्प्लिसिट कॉस्ट होता है जब आप अपने ही रिसोर्सेस, ओन सेल्फ ओन रिसोर्सेस, जब आप क्या करते हो, जब आप उनको लगा रहे हो बिजनेस में, दैट इज इम्प्लिसिट। फॉर एग्जाम्पल, आज अगर मैंने बाहर से लोन लिया है, ठीक है, बाहर से फंडिंग की है, बैंक से लोन लिया है, अब अगर मैं बैंक को इंटरेस्ट देता हूँ तो दैट इज माई एक्सप्लिसिट कॉस्ट, ठीक है, आउटसाइडर को जो मैंने पेमेंट किया। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास आज खुद के पास पैसा पड़ा हुआ था, खुद का कैपिटल मैंने लगाया, मेरे को किसी को कोई पेमेंट नहीं करना, बट ये पैसा मेरा खुद का था। लेकिन अगर मैं ये पैसा बाहर से अरेंज करता तो मुझे इंटरेस्ट देना पड़ता, ऑफ कोर्स मुझे इंटरेस्ट देना पड़ता, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ? मुझे इंटरेस्ट देना पड़ता, तो दैट इज माय इम्प्लिसिट कॉस्ट। क्लियर? नाउ रियल कॉस्ट। रियल कॉस्ट की जब हम बात करते हैं, एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट एकदम क्लियर है, मैं फिर से एक बार वन वर्ड में बताती हूँ। एक्सप्लिसिट जो हम आउटसाइड रिसोर्सेस को पेमेंट करते हैं, इम्प्लिसिट जो हम इनसाइड या अपने ओन्ड सेल्फ ओन्ड, इतना समझ लीजिए, सेल्फ ओन्ड रिसोर्सेस को हम पेमेंट करते हैं, दैट इज योर इम्प्लिसिट कॉस्ट। रियल कॉस्ट की जब हम बात करते हैं, रियल और सोशल कॉस्ट, पता है रियल और सोशल कॉस्ट में हमें कंफ्यूजन होता है कि रियल और सोशल कॉस्ट क्या होता है। रियल कॉस्ट और सोशल कॉस्ट, रियल कॉस्ट को हम देखते हैं जो सेक्रीफाइसेस, फॉर एग्जाम्पल कोई भी फैक्टर्स हैं या ओनर्स हैं फैक्टर्स के, हम लोग वर्क करते हैं, कोई भी वर्क करते हैं, तो जब आप सेक्रीफाइस, अपने एफर्ट्स देते हैं या आप कोई चीज सेक्रीफाइस करते हैं, हम बहुत सारी चीजें, जब हम वर्क प्लेस पर होते हैं ऑब्वियसली हम अपना फैमिली लाइफ या बहुत सारे चीजें हम लोग क्या करते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं वो पर्टिकुलर टाइम के लिए, ठीक है। तो दैट कम्स इन रियल कॉस्ट। इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से इसका कोई वैल्यू नहीं है, बट फिर भी जब हम कॉस्ट की बात करते हैं, कॉस्ट को डिफाइन करते हैं, तो डिटरमाइनेबल है, इसको हम कैलकुलेट करते हैं, इसका वैल्यू रखते हैं, रियल कॉस्ट। नेक्स्ट है सोशल कॉस्ट। सोशल कॉस्ट ये भी पे नहीं किया जाता इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, बट इन द लॉन्ग रन ग्रेजुअली इकोनॉमी को इम्पैक्ट करता है। सोशल कॉस्ट इज फॉर एग्जाम्पल एक इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री से एफ्लुएंट्स पॉल्यूटेंट्स निकलते हैं, वो एयर में पोल्यूशन करते हैं, वाटर पोल्यूशन करते हैं, अल्टीमेटली ये हम लोगों को, सोसाइटी को नुकसान करता है। हम लोग वो गंदा पानी पी लेते हैं, गंदा या एयर में हम लोग रह रहे हैं, पोल्यूटेड एयर में हम लोग रह रहे हैं, तो अल्टीमेटली सोसाइटी को नुकसान हो, दैट इज सोशल कॉस्ट, ठीक है। इसके लिए कोई हम पेमेंट नहीं कर रहे, बट ग्रेजुअली ये क्या करेगा, अल्टीमेटली इकोनॉमी को ही नुकसान देगा, तो हम इसको काउंट जरूर करते हैं, बट इकोनॉमिक कॉस्ट का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट कम द इकोनॉमिक कॉस्ट। इकोनॉमिक कॉस्ट जो समीशन है वो एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कॉस्ट का है। इकोनॉमिक कॉस्ट इज द टोटल ऑफ इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट कॉस्ट, इन दोनों का टोटल है। और इकोनॉमिक कॉस्ट जो कि वैल्यू रखता है मनी में, जिसको आप कैलकुलेट कर सकते हो, जो डिटरमाइनेबल है, ठीक है। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है? जैसा कि इसका नाम है, ठीक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में क्या होता है, हम इसको एक बहुत अच्छे बेस्ट एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आज एक पर्सन ए प्लेस पर वर्क करता था, एक्स पर्सन है कोई, वो ए प्लेस पर वर्क करता था, ही वाज अर्निंग 10,000, ठीक है। अब क्या हुआ, उसको नया जॉब मिला किसी बी प्लेस पर फॉर ₹18,000। अब क्या हुआ पता है, 10,000 का जॉब उसने छोड़ा फॉर व्हाट, फॉर 18,000। तो वो जो उसको 18,000 का प्रॉफिट मिला है, जो इसको नए प्लेस पर जो प्रॉफिट मिला है, 18,000 जो बेनिफिट हो रहा है, उसके लिए उसने क्या किया, उसने छोड़ा पुराना 10,000 का जॉब, दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। किसी नए बेस्ट ऑल्टरनेटिव के लिए जब आप पुराना ऑल्टरनेट, पुराना जो ऑल्टरनेटिव है या चॉइस है, उसको आप फॉरगो करते हो, दैट कम्स इन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। संक कॉस्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट, ये इरेवोकेबल होती है, अनऑल्टरेबल होती है, मतलब ये कॉस्ट आपने खर्च कर दी, अब आपको ये पैसा वापस नहीं मिल सकता। हिस्टोरिकल कॉस्ट आप खर्च कर चुके हो, आप वापस ये पैसा रिवोक नहीं कर सकते, दैट कम्स इन संक कॉस्ट। फ्लोटिंग कॉस्ट, फी, वेजेस। फ्लोटिंग कॉस्ट होता है जो आप रेगुलर खर्चे जो हमारे चलते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे हो गए, फीस हमें देना रहता है, या इस टाइप के जो खर्चे होते हैं, डॉक्यूमेंट्री फीस होता है, लीगल चार्जेस होते हैं, ये सारा हमारा फ्लोटिंग कॉस्ट आता है, जो आपका रूटीन में चलता रहता है।
नेक्स्ट कम्स दी प्राइम कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट. पता है जब हम ये प्राइम कॉस्ट पढ़ते हैं वेरिएबल की दोनों सेम है, बट जब आप इकोनॉमिक या अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम कॉस्ट शीट बनाते हैं ना, तो कॉस्ट शीट में वेरिएबल का हम डिविजन करते थे, प्राइम कॉस्ट अलग करते थे. प्राइम कॉस्ट एंड अदर वेरिएबल कॉस्ट, उसको हम दो डिविजन में कर देते हैं, बट देखा जाए तो ये सेम है. प्राइम कॉस्ट में मटेरियल लेबर वही खर्चे आते हैं जो हमारे वेरिएबल खर्चे हैं, ठीक है. मटेरियल लेबर डायरेक्ट एक्सपेंसेस ये सब प्राइम कॉस्ट का पार्ट है. मैंने यहाँ पर स्लैश करके इसीलिए वेरिएबल लिखा है ताकि हमें कोई कंफ्यूजन ना हो, ये दोनों सेम है. अब जो हमारा मेजर पार्ट आता है फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट, पूरा जो हम अभी चैप्टर पढ़ेंगे वो इसी पर बेस्ड है. फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, ठीक है. फिक्स्ड कॉस्ट जो फिक्स रहती है, फॉर एग्जाम्पल आज मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया, एक फैक्ट्री एक प्लांट लगाया मैंने. अब उस प्लांट का जो कैपेसिटी है वो 5 लाख यूनिट्स का है. प्लांट का कैपेसिटी कितना है, 5 लाख यूनिट्स का. बट क्या होता है कि अभी मेरे पास इतना डिमांड नहीं है, तो अब जब वो मशीन चलता है, जब वो प्लांट चलता है, तो उसका एक बार ऑपरेट करने का जो खर्चा आता है, दैट इज फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं 5,000 रुपीज, ठीक है. उसका एक बार ऑपरेट करने का खर्चा आता है 5,000 रुपीज. अब पता है मैं 5 लाख यूनिट्स बनाऊं या 10,000 यूनिट्स बनाऊं या 50,000 यूनिट्स बनाऊं, होगा क्या, मेरा खर्चा 5,000 ही आएगा. दैट मीन्स फिक्स्ड कॉस्ट होता है जो आपका फिक्स रहेगा. फॉर एग्जाम्पल आज एक रूम में 50 स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ बैठती है, ठीक है. अब अगर उस रूम में इलेक्ट्रिसिटी होता है, फैन होता है, एसी होता है, सब चलता है, अगर उस रूम में 5 स्टूडेंट बैठेंगे या 10 स्टूडेंट बैठेंगे या 50 बैठेंगे, खर्च तो मुझे उतना ही करना पड़ेगा, चाहे एक बच्चा बैठेगा चाहे 50 स्टूडेंट्स बैठेंगे. मतलब मेरा इलेक्ट्रिसिटी का बिल तो आएगा ही आएगा, एसी चलेगा, लाइट चलेगी, ठीक है. तो दैट इज फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है. फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा फिक्स रहती है इन टोटल. ये कब बढ़ती है या कब चेंज होती है, क्या ऐसा कभी कोई सिचुएशन होता है कि फिक्स्ड कॉस्ट भी चेंज हो जाए? फिक्स्ड कॉस्ट 100% कैपेसिटी के बाद ही चेंज होती है. कैसे चेंज होती है? इस रूम की कैपेसिटी है, यहाँ पर हम बैठे हैं, आप सब क्लास में बैठे, 50 स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ है, ठीक है. अब अगर ये स्ट्रेंथ के बियॉन्ड स्ट्रेंथ जाती है, 10 और स्टूडेंट्स आ जाते हैं, तो हम दूसरे रूम में बिठाते, ठीक है. तो मेरा क्या हुआ, ये 100% कैपेसिटी कंप्लीट हो गया. इसके बियॉन्ड अगर हम जाते हैं तो अब क्या होगा, इसके बियॉन्ड जाएंगे तो तब होगा मेरा फिक्स्ड कॉस्ट इंक्रीज, अदरवाइज 100% कैपेसिटी तक फिक्स्ड कॉस्ट सेम रहता है. ये चीज क्लियर है, अच्छे से हमें समझ में आनी चाहिए. वेरिएबल कॉस्ट की अगर हम बात करते हैं, वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट होता है जो वेरी करता है आउटपुट के साथ में. वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है आउटपुट के साथ में, वेरिएबल कॉस्ट क्या करता है, वेरी करता है. मतलब फॉर एग्जाम्पल मटेरियल की हम बात करते हैं, अगर मैंने एक यूनिट बनाना है तो मेरा मटेरियल भी उतना ही लगेगा, मेरा लेबर भी उतना ही लगेगा. अगर मुझे 2 यूनिट बनाना है फिर मैंने उसका लेबर बढ़ाया, मटेरियल बढ़ाया. अगर मुझे 10 यूनिट्स बनाना है फिर मैंने 10 यूनिट्स के लेबर बढ़ाया, 10 यूनिट्स के लिए मटेरियल बढ़ाया. तो वेरिएबल कॉस्ट जैसा इसका नाम है वेरी, ये वेरी करेगा विद दी आउटपुट. फिक्स्ड कॉस्ट कभी भी आउटपुट के साथ वेरी नहीं करता. अगर मुझे 10,000 रुपए देना है तो वो फिर चाहे कितना भी यूनिट्स बने, अप टू 100% कैपेसिटी मुझे 10,000 पे करना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर है. बट इनका एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा फिक्स रहता है इन टोटल, बट जब पर यूनिट होता है ना, तो जैसे जैसे यूनिट बढ़ती जाती है पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट कम होता जाता है, वेरिएबल रहता है. फॉर एग्जाम्पल आज अगर मुझे 5,000 इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है मेरा 5,000 का, मेरे पास अभी स्ट्रेंथ है 10 स्टूडेंट्स की, तो पर स्टूडेंट मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना आ रहा है, पर स्टूडेंट मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है 500, ठीक है. अब मेरे पास वही स्ट्रेंथ 50 की हो गई, 50 स्टूडेंट्स हो गए, तो अब मेरा रेंट कितना आएगा, 5,000 / 50, अब मेरा रेंट आएगा 100 रुपीज. तो क्या हुआ, वेरिएबल हो गया. फिक्स्ड कॉस्ट हमारा पर यूनिट क्या होता है, वेरिएबल होता है, और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट क्या होता है, फिक्स होता है. ये ध्यान रखना है, फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट वेरिएबल होता है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट फिक्स होता है. ये स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है क्वेश्चन, ठीक है. नेक्स्ट, डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग टू कॉस्ट अकॉर्डिंग टू टाइम पीरियड.
शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म का मैं बता देती हूँ आपको, फिर हम रीड करते हैं शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म एक ऐसा पीरियड होता है, देखो हमारे पास दो तरीके के फैक्टर्स होते हैं, फिक्स्ड फैक्टर्स और श्योर वेरिएबल फैक्टर्स। ठीक है, फिक्स फैक्टर्स फॉर एग्जाम्पल प्लांट हो गया, मशीनरी हो गया, बिल्डिंग हो गया, लैंड हो गया, ये सारी चीजें क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं। मतलब अगर आज मैंने ले लिया तो ऐसा नहीं मैं एक हफ्ते बाद या कल या परसों या एक महीने बाद एक साल बाद चेंज कर लूंगा, ऐसा नहीं। ये मैं लेता हूँ 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, 20 ईयर्स के लिए, 30 ईयर्स के लिए, बहुत लंबे पीरियड के हम लोग ये चीजें इन्वेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर ये होता है शॉर्ट पीरियड। ठीक है, शॉर्ट पीरियड में क्या होता है, सम ऑफ द फैक्टर्स आर फिक्स्ड एंड सम ऑफ द फैक्टर्स आर वेरिएबल, दैट इज शॉर्ट पीरियड। इसमें कुछ फैक्टर्स वेरिएबल भी होते हैं, कुछ फैक्टर्स फिक्स्ड भी होते हैं। बट जब हम बात करते हैं ना लॉन्ग पीरियड की, तो लॉन्ग पीरियड इतना लंबा टाइम होता है कि आप फिक्स फैक्टर्स को भी चेंज कर सकते हो। 20 ईयर्स बाद हम फिक्स फैक्टर भी चेंज कर सकते हैं। तो लॉन्ग पीरियड में देयर इज नो फिक्स्ड फैक्टर, ओनली वेरिएबल फैक्टर्स। लॉन्ग पीरियड में सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं, और जब हम शॉर्ट पीरियड की बात करते हैं तो शॉर्ट पीरियड में फिक्स फैक्टर भी होते हैं, वेरिएबल फैक्टर भी होता है। आई एम रीडिंग इट फॉर यू। द शॉर्ट रन कॉस्ट कंप्राइजेस बोथ ऑफ फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, अब हम यहाँ पर शॉर्ट रन में जब बात करते हैं तो शॉर्ट रन में हमारे पास तीन तरीके की ये मेजर डिवीजन हमने किया है, टोटल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का क्या होता है, समीशन होता है। फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों मिलके, क्योंकि हमारे पास दो तरीके के फैक्टर्स है, फिक्स्ड फैक्टर एंड वेरिएबल फैक्टर, इन दोनों को मिला के हमारी क्या आ जाती है, टोटल कॉस्ट आ जाती है। ठीक है, टोटल कॉस्ट का डेफिनेशन मैंने दिया हुआ है, रीड कर लेते हैं फिर मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ। टोटल कॉस्ट, इसको हम टीसी से डिनोट करेंगे आगे, इन द सिंपलेस्ट टर्म्स इज ऑल द कॉस्ट इनकर्ड इन प्रोड्यूसिंग समथिंग और एंगेजिंग इन एन एक्टिविटी। आप सर्विस प्रोड्यूस कर रहे हैं या फिर आप सर्विस प्रोड्यूस ना करके आप कोई प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो जो भी खर्चा, चाहे वो फिक्स्ड फैक्टर से कर रहे हो आप या फिर आप वेरिएबल फैक्टर पे कर रहे हो, जो भी आप टोटल एक्सपेंडिचर कर रहे हो, टीएफसी कर रहे हो, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट या टोटल वेरिएबल कॉस्ट, इन दोनों का समेशन क्या हो जाएगा, ये सारे कॉस्ट को मिला के हम बोलते हैं टोटल कॉस्ट। ठीक है, अब यहाँ पर ये दोनों कैलकुलेट कैसे होते हैं, टीएफसी कैलकुलेट कैसे होता है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट की बात हम कर चुके हैं, फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है। तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट निकलता है, अभी टोटल फिक्स कॉस्ट है, अगर इसको हम पर यूनिट क्वांटिटी से डिवाइड करते हैं तो टोटल आउटपुट से हमारा एवरेज फिक्स कॉस्ट मीन्स पर यूनिट फिक्स कॉस्ट आ जाता है। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, 10 स्टूडेंट्स का और 50 स्टूडेंट्स का इलेक्ट्रिसिटी बिल हमारा 5000। ठीक है, ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ये भी एवरेज है तो पर यूनिट आ जाएगा आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, टीवीसी अपॉन क्यू इज एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एटीसी। अभी टोटल कॉस्ट का भी पर यूनिट हम निकालेंगे तो यहाँ पर एक हम ऐसा भी कर सकते हैं, एक फॉर्मूला ये लिखा हुआ है एटीसी, हमने एफसी और एवीसी को ऐड किया, ऐसे भी हम कर सकते हैं। दूसरा जो तरीका है, आप क्या कर सकते हो, टीसी डिवाइड बाय क्वांटिटी, टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय आउटपुट, टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय आउटपुट अगर आप करेंगे तो भी आपका एटीसी आ जाएगा, एवरेज टोटल कॉस्ट हमारा आ जाता है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं हमारा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का क्या मीनिंग है। सी, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, जितने भी ऑल पेमेंट्स फॉर द फिक्स्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर नोन एज टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट, देखो मैंने आपसे क्या कहा था, फिक्स्ड रहता है हमेशा। ये हमारे सामने एक टेबल बना हुआ है, आउटपुट है, जीरो प्रोडक्शन हो रहा है, देखो एक भी स्टूडेंट अगर नहीं है, अगर मैं एक भी यूनिट का प्रोडक्शन नहीं कर रहा हूं तभी भी मुझे फिक्स्ड कॉस्ट तो देनी पड़ेगी, जो फिक्स्ड चार्जेस है, रेंट हो गया बिल्डिंग का, इलेक्ट्रिसिटी के फिक्स्ड चार्जेस, आप मशीन नहीं चलाओ, आप मत चलाओ, बट एक मिनिमम खर्चा तो आपको देना ही पड़ेगा इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, तो जीरो यूनिट है तभी भी मेरा देखो फिक्स्ड कॉस्ट आ रहा है, वेरिएबल कॉस्ट कुछ भी नहीं है, वेरिएबल कॉस्ट नहीं है अभी, तभी भी मेरा 1000, जब वेरिएबल कॉस्ट नहीं होती आउटपुट जीरो होता है, तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल कॉस्ट क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक है, नेक्स्ट वन यूनिट बनाया, देखो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट मेरी 1000 है, फिर जो टोटल कॉस्ट में एड हो रहा है ये क्या हो रहा है, ये मेरी वेरिएबल कॉस्ट एड हो रही है। क्लियर है, ये 200 हो गया, 300 हो गया, 400 हो गया, 600 हो गया, 900 हो गया, ये सब मेरी वेरिएबल कॉस्ट है। ठीक है, अब इसका टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का कर्व कैसा बनता है, दिस इज माई कॉस्ट, This is the output. ठीक है, ये मेरा cost है, ये मेरा output है। अब जैसे जैसे मेरा output बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे मेरा output बढ़ रहा है, हम इधर से यहाँ गए और output बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे क्या हो रहा है, cost बढ़ती जा रही है, नहीं,
कॉस्ट तो मेरी सेम है, ये मेरा ओवा एक्सेस पर कॉस्ट शो कर रहा है, तो ये मेरी कॉस्ट सेम है। अब क्या हो रहा है, कॉस्ट मेरी यहाँ पर फिक्स है, देखो वेरिएबल है, वेरिएबल है नहीं है ना, कॉस्ट मेरी फिक्स है 1000 पर, जो मेरा ये 1000 था, और आउटपुट बढ़ने के साथ साथ मेरी टोटल फिक्स कॉस्ट, एवरेज नहीं बोला है मैंने, पर यूनिट तो चेंज होगी होगी, बट टोटल फिक्स कॉस्ट जो मैं 1000 पेमेंट कर रहा हूँ, 1000 एज इट इज, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया ओ एक्स एक्सिस के पैरेलल, ठीक है। TFC डज नॉट चेंज विद आउटपुट, इवन वेन द आउटपुट इज जीरो द फिक्स कॉस्ट इज देयर, ठीक है, यही बात मैंने आपको बताई है। नेक्स्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट की जब हम बात कर रहे थे, आप पता है, देखो मैंने आपसे कहा था जब हम लोग आउटपुट बढ़ाते जाते हैं, वैसे वैसे मटेरियल लेबर वेरिएबल कॉस्ट का खर्चा बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो देखो जीरो यूनिट, अभी हम डायग्राम नहीं देख रहे हैं, पहले आप यहाँ देख लो, टेबल क्लियर होगा तो डायग्राम अपने आप क्लियर होगा। टोटल फिक्स कॉस्ट तो मेरी 1000 है ही है इसमें इंक्लूडेड, टोटल कॉस्ट में जीरो यूनिट पर जीरो वेरिएबल कॉस्ट, देखो जीरो यूनिट पर जीरो वेरिएबल कॉस्ट, अभी जीरो यूनिट है और जीरो कॉस्ट है, यहाँ पर जीरो यूनिट और जीरो कॉस्ट, क्लियर है, तो ये जीरो है। इसके बाद जैसे ही 1 यूनिट आया तो वेरिएबल कॉस्ट मेरा 200 हो गया, 1 यूनिट पर 200 हो गया, 2 यूनिट्स पर 300 हो गया, यू कैन सी इन द टेबल, 3 यूनिट्स पर 400, देन 600, देन 5 यूनिट पर 900, 5th यूनिट पर मेरा 900 हो गया। इससे मैंने कर्व ज्वाइन किया, ये अपवर्ड, ये जो होता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट का जो कर्व होता है, ये अपवर्ड स्लोपिंग होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जब इनवर्स रिलेशनशिप होता है तो लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, और जब आपका पॉजिटिव रिलेशन होता है, मतलब आउटपुट बढ़ा कॉस्ट बढ़ी, जब पॉजिटिव रिलेशन होता है तो लेफ्ट टू राइट अपवर्ड जाता है कर्व, ठीक है, ये याद रखना। टेबल हमने देख लिया, डायग्राम हमने देख लिया, टीवीसी इज जीरो व्हेन नथिंग इज प्रोड्यूस्ड, जीरो आउटपुट पर टीवीसी जीरो होता है, कुछ भी नहीं होता, क्योंकि जब कुछ बना ही नहीं है तो मटेरियल क्यों यूज आएगा, ठीक है। एज आउटपुट इंक्रीजेस टीवीसी ऑल्सो इंक्रीजेस, टीवीसी कर्व स्लोप्स अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है। नेक्स्ट ग्राफ शोइंग, अब मैंने हमने तीनों चीजें कर ली, टीसी टीएफसी एंड टीवीसी, अब हम तीनों को ग्राफ से देखते हैं कि कैसा ग्राफ इनका बनता है, ठीक है। एक सिंगल ग्राफ हमने बनाया है, ओ एक्स एक्सेस ओ वाई एक्सेस, ओ एक्स एक्सेस पर आउटपुट, ओ वाई एक्सेस पर कॉस्ट, यहाँ हम ये पूरा टेबल देखेंगे, ठीक है। एवरेज वाला सिर्फ मैंने कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से किया है, हमारे लिए इतना ही टेबल काम का है, ठीक है। आप एवरेज वाला भी देख सकते हैं, पूरा फुल फ्लेज्ड टेबल मैंने पूरा टेबल बना दिया इस चैप्टर का। अब आप देखो यहाँ पर टोटल कॉस्ट है, टीएफसी है, टीवीसी है, जीरो आउटपुट पर टीवीसी जीरो है, तो मेरा सबसे पहले जब हम टीवीसी की बात करते हैं, ये मेरा टीवीसी कर्व जा रहा है, ठीक है। टीएफसी 1000 है ही है, टीएफसी इज 1000, ये मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर, टीएफसी मेरा 1000 है। टीवीसी, टीवीसी मेरा कितना है, कैसे जा रहा है, जीरो आउटपुट पर जीरो, वन पर 200, टू यूनिट्स पर 300, थ्री यूनिट्स पर 400, फोर यूनिट्स पर 600 एंड फाइव यूनिट्स पर 900, तो मेरा टीएफसी कंटिन्यूअसली आउटपुट इंक्रीज हो रहा है, तो टीएफसी भी क्या हो रहा है, टीवीसी इंक्रीज हो रहा है, आउटपुट इंक्रीज हो रहा है, टीवीसी देखो कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है, बट टीएफसी क्या है, मेरा कांस्टेंट है। ये दोनों वेरिएबल्स हमने देख ली, इन दोनों का हॉरिजॉन्टल, इन दोनों का जो सबमिशन है दैट इज माई टीसी, हॉरिजॉन्टल सबमिशन। अब देखो यहाँ पर आप देखो 1000 प्लस 200 1200, 1000 प्लस 300 1300, तो 1000 1200 1300 1400, तो ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 100 से। तो फर्स्ट यूनिट पर जब इनिशियल स्टेज होती है, जब जीरो यूनिट्स होती है, तो टोटल कॉस्ट एंड टोटल फिक्स्ड कॉस्ट ये कांस्टेंट होती है, मतलब ये सेम होती है, तो 1000 पर इसके बाद ये इंक्रीज होता जा रहा है। अब पता है इसका इंक्रीमेंट में एक इंटरेस्टिंग चीज देखो, ये जो रेशियो है ना, ये जो मिडिल एरिया है टीसी और टीवीसी के बीच में, ये इक्वल रहेगा। पता है इक्वल क्यों रहेगा, क्योंकि इसमें जो चेंज आ रहा है ना, टीएफसी जो राइज हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, टीवीसी की वजह से, अदरवाइज तो उसमें कोई चेंज नहीं है। यू कैन सी इन द टेबल, टीसी में जो एडिशन हो रहा है टीवीसी का हो रहा है, तो ये जो इंक्रीज हो रहा है ना, ये इस रेट से होगा, ये पैरेलल टू टीवीसी होगा, टीसी पैरेलल टू टीवीसी होगा, क्योंकि इसकी इक्वलिटी चेंज जा रहा है, ठीक है, क्लियर है ये टेबल। एक बार आप ये ग्राफ देख लीजिए, टेबल देख लीजिए, मैं एक बार स्क्रीन से हट जाती हूँ, एक बार गो थ्रू कर लीजिए, इन केस कोई डाउट है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट्स, ठीक है। हम कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट, अब इसका हम एनालिसिस देख लेते हैं। जब हमने ग्राफ देखा
The TC curve is obtained by adding TFC and TVC curves vertically. ये हमें पता है TC और TVC curve को vertically add करके, ठीक है? TFC और TVC curve को 1000 plus 200, फिर 1000 plus 300, फिर 1400, 1600, 1900, ऐसे करके तो आ रहा है, ठीक है? Vertically add कर रहे हैं ना? Next. TFC curve remains parallel to x-axis, indicating a straight line. ये तो मुझे पता है अच्छे से. TFC curve straight line रहता है. TFC curve क्या रहता है? Straight line curve है TFC. Clear है? क्यों straight line है? ये तो हमें पता है. क्योंकि ये constant है, इसलिए parallel to x-axis है. ठीक है? Next. TVC starts from the origin, of course, zero से start कर, zero output, zero TVC, and moves upwards as no variable cost is incurred at zero output. When TFC and TVC are added, TC starts from TFC and moves upward. जब हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं, तो TC जो स्टार्ट होता है TFC के पास से होता है, उसके बाद वो अपवर्ड जाता है, ठीक है? Next, TC curve lies above the TVC. Of course, TC curve TVC के above क्यों होता है? क्योंकि उसमें already fixed cost भी included है. उसके इक्वेलेंट तो हो नहीं सकता, उसके बिलो हो नहीं सकता, क्योंकि टीसी सबमिशन है टीएफसी और टीवीसी का, ठीक है? नेक्स्ट नेक्स्ट हम देखते हैं यहां पर. टीवीसी एंड टीसी कर्व्स आर द सेम शेप्स. अब एक चीज देखना, बट जो इनका बिगिनिंग है ना, वो अलग अलग है. देखो, आप यहां देखोगे टीवीसी एंड टीएफसी दोनों का सेम शेप है, बट इनकी जो ओरिजिन है, दोनों का बिगिनिंग जो है वो डिफरेंट है. टीवीसी स्टार्ट हो रहा है जीरो से, क्योंकि इसमें कोई एडिशन नहीं है, और जीरो आउटपुट पर टीवीसी मेरा कितना है? जीरो. बट टीसी जीरो आउटपुट पर जीरो नहीं है, तो जीरो यूनिट्स पर टीसी अभी भी 1000 है, बिकॉज ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट. तो यहाँ पर जो इनका स्टार्टिंग पॉइंट है दोनों का डिफरेंट होता, अदरवाइज इनका जो शेप है वो दोनों का सेम होता है, ठीक है? नेक्स्ट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट. अब हम एवरेजेस की बात कर लेते हैं. ये जो टेबल हमने यहाँ शो किया है, ये रहा टेबल, ये टेबल में एपीएफसी, एबीसी, एटीसी है. अब हम इन एवरेजेस पर आ जाते हैं. टोटल कॉस्ट हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है? एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट. एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है? एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इज पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट. एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इज पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट. इट रेफर्स टू द फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट. इट इज ऑब्टेन बाय, कैसे कैलकुलेट किया जाता है पहले बताया थी, फिर मैं रीडिंग कर लेंगे. टोटल फिक्स्ड कॉस्ट टीएफसी डिवाइड बाय आउटपुट, डिवाइड बाय क्वांटिटी, तो हमारा आ जाता है एएफसी. क्लियर है? तो कैसे कैलकुलेट किया जाता है? बाय डिवाइडिंग द टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, बाय डिवाइडिंग द टोटल फिक्स्ड कॉस्ट बाय क्वांटिटी ऑफ आउटपुट. एएफसी इज इक्वल टू टीएफसी डिवाइड बाय क्यू, जहां पर एएफसी क्या है? एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट. टीएफसी क्या है? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है? एंड क्यू डिनोट्स द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, ठीक है? अब पता है क्या होता है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट के कुछ फीचर्स हैं जो कि हमें ध्यान रखना है. एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग एल शेप्ड होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, ये हमें ध्यान रखना है. रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, एल शेप्ड बन रहा है, देखिए आप, बट ये डाउनवर्ड स्लोपिंग तो है, बट एएफसी कभी भी जीरो नहीं होगा, ये हमें ध्यान रखने वाली बात है. क्वेश्चन में अगर पूछा जा सकता है एएफसी कैन बी जीरो, नो इट कैन नेवर बी जीरो, क्यों नहीं होता, ये हमें ध्यान रखना है. एएफसी कभी भी जीरो क्यों नहीं होता है? क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट कभी जीरो नहीं हो सकती. तो जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कभी जीरो नहीं होती, उसको आप किसी भी क्वांटिटी से अगर डिवाइड करेंगे तो कभी भी जीरो आपका आंसर नहीं आएगा. तो ये ओरिजिन को कभी टच नहीं करता. एएफसी डाउनवर्ड स्लोपिंग है, बट ओरिजिन को कभी टच नहीं करता. अगर इसने ओरिजिन को टच कर लिया, अगर इसने ओरिजिन को टच करा, तो इसका क्या मतलब हुआ? जीरो हो गई कॉस्ट. और एएफसी कभी भी जीरो नहीं होती, बिकॉज टीएफसी कभी भी जीरो नहीं होता है. क्लियर है यहां तक हमें? अब हम देखते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता कैसे. 1000 डिवाइड बाय 0 इज इनफिनिटी. 1000 को अगर आप 0 से डिवाइड, कोई भी वैल्यू को अगर आप 0 से डिवाइड करते हो, दैट इज इनफिनिटी. 1000 नेक्स्ट इज डिवाइड बाय 1, 1000, 1000 डिवाइड बाय 2, 500, 1000 डिवाइड बाय 3, 333.3, 1000 डिवाइड बाय 4, 250, 1000 डिवाइड बाय 5, 200. तो ये देखो, आप देख रहे हो डाउनवर्ड स्लोपिंग है.
तो 1500, 333, 250, 200 तो डाउनवर्ड स्लोपिंग है, बट ऐसा कोई पॉइंट नहीं आएगा जब हमारा एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो दिस इज द टेबल फॉर एएफसी, दिस इज द ग्राफ फॉर एएफसी। अब हम एएफसी का एनालिसिस देख लेते हैं। एएफसी का जो एनालिसिस है, एएफसी क्या होता है, डिक्लाइन होता है जैसे जैसे उसका आउटपुट बढ़ता जाता है। ठीक है, देख लो आप, एएफसी डिक्लाइन हो रहा है जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता जा रहा है आपका। ठीक है, एएफसी कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग थ्रू आउट इट्स लेंथ, नेवर टचिंग एक्स एंड वाई एक्सिस। इट इज एज सिंपटोटिक टू बोथ द एक्सिस, मतलब ये दोनों एक्सिस को टच नहीं करेगा, ना तो ये वाई एक्सिस को टच करता है, ना ये एक्स एक्सिस को टच करता है, ना तो यहाँ पर क्वांटिटी जीरो पर इसकी कॉस्ट यहाँ से कम होती है, मतलब एएफसी कभी भी जीरो नहीं होगा, ये कभी भी एक्सिस को टच नहीं करता। द शेप ऑफ एएफसी कर्व इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये मैंने अभी आपको बता ही दिया है। नेक्स्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। हम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की बात करते हैं। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, जब आप टोटल वेरिएबल कॉस्ट को आउटपुट से डिवाइड करते हो, दैट इज योर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। यहाँ पर हमारे पास टोटल कॉस्ट गिवन है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट गिवन है। अगर मैं इस पर्टिकुलर वेरिएबल कॉस्ट को हर एक पर्टिकुलर यूनिट से आउटपुट से डिवाइड करती हूँ, तो हमारे पास क्या आ जाता है, एबीसी आ जाता है। 0, 200, 0 तो 0 ही रहेगा, जीरो आउटपुट है तो वेरिएबल कॉस्ट मेरा जीरो रहता है। 200, 150, 130 एंड 150 एंड 180। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आ गया। यू कैन सी वेरिएबल कॉस्ट, देखना इसका एक ट्रेंड है। क्या ट्रेंड है इसका, इसका जो ट्रेंड है वो ये कहता है, देखो 0 से 200, 200 से फिर 150 और 150 से 130। देखो 130 तक आया, इसके बाद अगर हम देखते हैं फिर ये इंक्रीज हुआ है, फिर इंक्रीज हुआ है, पता है ये होता है यू शेप। अब एक क्वेश्चन, एक क्वेरी है कि एबीसी हमारा यू शेप्ड क्यों होता है, क्या रीजन है कि हमारा एबीसी यू शेप्ड होता है। एबीसी यू शेप्ड होता है बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। अब लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या होता है, मैं बहुत समरी में बताती हूँ, फिर हम प्रोडक्शन वाला टॉपिक करेंगे, उसमें हम और डिटेल में इसको पढ़ेंगे। एबीसी क्या होता है, यू शेप्ड क्यों, क्या हो रहा है, हमारे पास दो तरीके के फैक्टर्स हैं। कौन से दो तरीके के फैक्टर्स हैं हमारे पास, फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर। अब पता है क्या हो रहा है, एक मेरे पास फिक्स फैक्टर है, उसकी एक मैक्सिमम कैपेसिटी होती है कि इतना यूनिट तक इट कैन वर्क। अब मैंने वेरिएबल यूनिट्स लगाया, प्रोडक्शन बढ़ाया, और वेरिएबल इनपुट लगाया और प्रोडक्शन बढ़ाया, तो जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता जाता है हमारी कॉस्ट कम होती जाती है। तो फिक्स फैक्टर तो मेरा उतना का उतना ही, वन का वन ही है, उस पर मैं वेरिएबल फैक्टर्स ऐड ऑन करता जा रहा हूँ, तो आउटपुट हमारा बढ़ता जा रहा है, तो मेरी कॉस्ट क्या हो रही है, कम होती जा रही है। पर यूनिट कॉस्ट आउटपुट बढ़ा, पर यूनिट कॉस्ट और कम होती जा रही। बट एक सैचुरेशन पॉइंट आता है जब हमें लगता है, जब हमें क्या लगता है, एक सैचुरेशन पॉइंट पर हमें लगता है कि यहां पर अब क्या है, अब मेरा जो फिक्स फैक्टर है वो वर्क नहीं करेगा, क्योंकि उन फिक्स फैक्टर को क्या होता है, अब एक सैचुरेशन पॉइंट आ गया, मैक्सिमम लेवल आ गया, इसके बाद फिक्स फैक्टर अब काम नहीं कर सकते, क्योंकि उसका मैक्सिमम लिमिट आ गया, 100% कैपेसिटी आ गया। अब अगर आपने और वेरिएबल कॉस्ट लगाया तो आपकी कॉस्ट बढ़ेगी, कॉस्ट कम होने की बजाय क्या होगी, पर यूनिट कॉस्ट अब आपकी बढ़ जाएगी। तो क्योंकि अब क्या हो रहा है, अब ये दोनों एक दूसरे के बेटर कॉम्बिनेशन नहीं है, फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर, आफ्टर सर्टेन पॉइंट तो क्या होगा, यहाँ पर अब मेरी कॉस्ट क्या होगी, एक मिनिमम पॉइंट पर पहुंचने के बाद फिर से राइज होना स्टार्ट हो जाती है। क्लियर है ये, इसका यही रीजन है एबीसी के यू शेप्ड होने का, लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन। फर्स्ट यूनिट, सेकेंड यूनिट, थर्ड यूनिट पे मिनिमम है, थर्ड यूनिट पर जैसे ही मिनिमम ये हमने रीच किया, अब क्या होगा, मेरा एवरेज कॉस्ट अपवर्ड स्टार्ट हो जाएगा, मूवमेंट करना यू शेप। एनालिसिस देख लो, सेम वही चीजें हैं जो अभी हमने डिस्कस किया है। एवीसी डिक्लाइंस इनिशियली एवीसी डिक्लाइन करता है एंड देन इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन आउटपुट। ठीक है, जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होती जाएगी, बाद में इंक्रीज होता जाएगा, मतलब एवीसी पहले हमारा डाउनफॉल पर जाता है, फिर उसके बाद मिनिमम पॉइंट पर आता है, फिर वो अपवर्ड राइज करता है। ठीक है, एवीसी डिक्लाइंस टू अ पॉइंट, एक पॉइंट तक डिक्लाइन करेगा एंड मूव्स अपवर्ड्स स्टीपली ड्यू टू लॉ ऑफ रिटर्न्स, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ठीक है, आप इसको लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कह सकते हो, लॉ ऑफ रिटर्न्स कह सकते हैं। एवीसी इज यू शेप्ड कर्व है, ये हमने देख लिया, और क्यों होता है उसका रीजन है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है। एटीसी एवरेज टोटल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट। ठीक है, एवरेज टोटल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, यहाँ पर आप देखो एवरेज टोटल कॉस्ट, जब आप पर यूनिट टोटल कॉस्ट निकालते हो, देखो अभी तक हमने क्या देखा,
अभी आपने पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट देखा, फिर हमने पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट देखा, अब हम निकाल रहे हैं पर यूनिट टोटल कॉस्ट। इट रेफर्स टू द टोटल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। इट कैन बी ऑब्टेन इन टू वेज, ठीक है। तो सबसे पहला एवरेज टोटल कॉस्ट क्या होता है, पर यूनिट टोटल कॉस्ट होता है, एवरेज का मीनिंग ही पर यूनिट होता है, हमने पहले भी समझा है। इट कैन बी ऑब्टेन इन टू वेज, दो तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। टॉपिक ओनली ए टी सी, एवरेज टोटल कॉस्ट। एवरेज टोटल कॉस्ट क्या होता है, एवरेज टोटल कॉस्ट होता है जो टोटल कॉस्ट को हम पर यूनिट निकालते हैं। टोटल कॉस्ट मुझे पता है, मैंने 10,000 यूनिट्स बनाए, मेरा टोटल कॉस्ट आया 5 लाख रुपीज। बट अगर मुझे पर यूनिट का कॉस्ट पता करना है तो दैट इज एवरेज टोटल कॉस्ट, ठीक है। एवरेज टोटल कॉस्ट को निकालने का जो हमारा फॉर्मूला होता है, एवरेज टोटल कॉस्ट को निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं, जो हमारा ए टी सी इक्वल्स टू टी सी अपॉन क्यू, और एक और तरीका है, हम ए एफ सी प्लस ए बी सी भी कर सकते हैं, क्लियर। तो हम ये दोनों फॉर्मूलाज यूज कर सकते हैं, क्लियर है। या तो ए टी सी निकालने के लिए हम टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय क्वांटिटी कर दें, या फिर पर यूनिट फिक्स कॉस्ट और पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट को हम ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तभी भी हमारा ए टी सी आ जाएगा, क्लियर है। नेक्स्ट हम आते हैं ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ ए टी सी। ए टी सी का ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देखने से पहले हम टेबुलर चीज देख लेते हैं, यहाँ पर टेबुलर प्रेजेंटेशन देख लेते हैं। यहाँ पर क्या होता है, अब आप देखते हैं 0 यूनिट, 1 यूनिट, 2, 3, ऐसे करके हम 5 यूनिट्स तक आते हैं। टोटल कॉस्ट आपको यहाँ पर गिवन है, अब आपको पर यूनिट निकालनी है। तो 100 डिवाइड बाय 0, 120 डिवाइड बाय 1, 130 डिवाइड बाय 3, 2, 140 डिवाइड बाय 3, 160 डिवाइड बाय 44 एंड 190 डिवाइड बाय 5। तो ये हमारा क्या हो रहा है, डाउनफॉल पर जा रहा है। अब अगर इसके बियॉन्ड 6, 7, 8, 9, 10 यूनिट्स आप बनाते हो तो फिर क्या होगा, ये राइज होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब 40, 45 जाएगा, 50 जाएगा, 60 चला जाएगा, ऐसे चला जाएगा, फिर ये राइज होना स्टार्ट हो जाता है। आपकी टोटल कॉस्ट अब क्या हो जाएगी, टोटल कॉस्ट तो इंक्रीज ही हो रही है, बट वो इंक्रीजिंग रेट से होगी। तो यहाँ पर एटीसी कॉस्ट जो है हमारा क्या होता है, एक पॉइंट तक डाउनफॉल पर जाता है, फिर उसके बाद अपवर्ड जाता है। ऐसा क्यों होता है, ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। जैसे जैसे हम आउटपुट बढ़ाते जाते हैं, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हम कर रहे हैं, और उसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारा पर यूनिट कॉस्ट डिक्लाइन हो रहा है। बट एक सर्टेन पॉइंट आ जाता है दैट दिस इज द मैक्सिमम लिमिट, अब आप इसके बियॉन्ड प्रोडक्शन नहीं कर सकते। तो वो जो मैक्सिमम लिमिट होती है प्रोडक्शन की, वहां पर आपका कॉस्ट मिनिमम लेवल पर होता है। अब ये जो मिनिमम लेवल है या जो कांस्टेंट पॉइंट है, इसके बाद भी अगर आप प्रोडक्शन करते रहते हो बियॉन्ड द ऑप्टिमम लेवल, तभी क्या होगा, तभी आपका कर्व कॉस्ट जो है अपवर्ड जाना स्टार्ट हो जाता है, एवरेज टोटल कॉस्ट, ठीक है। नेक्स्ट है एटीसी का एनालिसिस हम देख लेते हैं बहुत शॉर्ट में, जो अभी हमने पढ़ा, हमने डिस्कस किया वही आएगा। एटीसी कर्व जो होता है, एटीसी कर्व आपका क्या है, यू शेप जाएगा। एटीसी इनिशियली डिक्लाइन होता है, देन मिनिमम जाता है, देन अपवर्ड जाता है, एंड ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, इंक्रीजिंग स्टेज, कॉन्स्टेंट स्टेज एंड डिक्लाइनिंग स्टेज। बिल्कुल, जैसे प्रोडक्शन इंक्रीज होगा कॉस्ट हमारी डाउनफॉल पर जाएगी, प्रोडक्शन मैक्सिमम कॉस्ट हमारा मिनिमम, और जैसे प्रोडक्शन फॉल होना स्टार्ट होता है कॉस्ट हमारी राइज होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट होती है हमारी एडिशनल कॉस्ट, ठीक है। आप एक सिंगल यूनिट, हर एक एक्स्ट्रा यूनिट पर जो हमारी कॉस्ट जा रही है, दैट इज आवर मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट को हम वेरिएबल कॉस्ट भी कह सकते हैं, बट यहाँ ओवरऑल वेरिएबल कॉस्ट बहुत ज्यादा अमाउंट हो जाएगा और मार्जिनल कॉस्ट उसका क्या होता है, एक पार्ट होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल इधर मार्जिनल कॉस्ट 1000 आ रहा है, इधर हमारा टोटल कॉस्ट 1000 आ रहा है, बिकॉज वी हैव 0 यूनिट, सो ये वेरिएबल कॉस्ट हुआ मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। अब यहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट, यहाँ पर हम देखते हैं 1200 एंड 213, तो ये एक्स्ट्रा वाला जो हमारा क्या जा रहा है, अब हम यहाँ देखते हैं, ठीक है। यहाँ आप क्या देखेंगे, 1000 का 1000, 1200 माइनस 1000, इसको आप ऐसे कर लो, 1200 माइनस 1000, 1300 माइनस 1200, तो हमारा 100। तो मार्जिनल कॉस्ट भी क्या हो रहा है, हमारा चेंज होता जाएगा। अब मार्जिनल कॉस्ट आफ्टर सर्टेन पॉइंट, एक मिनिमम पॉइंट पर आता है, उसके बाद क्या होगा, हमारा मार्जिनल कॉस्ट अपवर्ड राइज होगा। मार्जिनल कॉस्ट को कैलकुलेट करने का वही तरीका है, नेक्स्ट माइनस प्रीवियस, नेक्स्ट माइनस प्रीवियस। फिर भी कंफ्यूजन है तो हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे कैलकुलेट होगा।
टीसी ऑफ एन माइनस, टीसी ऑफ एन माइनस वन, या तो आप मार्जिनल कॉस्ट के लिए ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, अदरवाइज मार्जिनल कॉस्ट एडिशन होता है, चेंज होता है, तो हम डेल्टा टीसी अपॉन डेल्टा क्यू भी हम लोग यूज कर सकते हैं, या तो आप ये इक्वेशन लगा सकते हो, ये इक्वेशन लगा सकते हो, दोनों से आपका मार्जिनल कॉस्ट कैलकुलेट हो जाएगा। क्वेश्चन में डिपेंड करता है इन्फॉर्मेशन किस अकॉर्डिंग दी हुई है। नेक्स्ट, एनालिसिस ऑफ मार्जिनल कॉस्ट एंड इट्स कर्व। एनालिसिस अगर हम देखते हैं, यहाँ ये चीज तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये जो हमारा फॉर्मूला है, ये इक्वेशन है डेल्टा टीसी अपॉन डेल्टा क्यू, ये टीसी ऑफ एन माइनस, टीसी ऑफ एन माइनस वन, सबसे पहले ये फॉल होता है, देन मिनिमम पे तक जाता है, देन अपवर्ड राइज करता है, यू शेप्ड होता है, और एमसी को हम, एमसी इज द स्लोप ऑफ टीसी, एमसी को हम टीसी का स्लोप भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, रिलेशनशिप बिटवीन एसी एंड एमसी, एसी और एमसी का रिलेशनशिप अगर हम देखते हैं, एसी और एमसी के रिलेशनशिप में हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि एमसी हमेशा फॉल करेगा या राइज करेगा, हमेशा स्पीड जो होगी उसकी किससे ज्यादा होगी, एसी से ज्यादा होगी, अगर फॉल करेगा तो एसी से पहले फॉल करेगा और मिनिमम भी पहले आएगा उसका, ठीक है। अगर MC फॉल करेगा तो देखो AC के बिलो है, ये वाला जो पॉइंट है MC बिलो AC, तो फॉल करने में भी इसकी स्पीड ज्यादा है, इसका मिनिमम पॉइंट पहले आया AC का बाद में आया, और जैसे राइज किया, राइज करने में अब MC पहले और AC बाद में है, तो जो अगर ये राइज करेगा तभी भी मिनिमम पे आएगा, तभी भी डाउनफॉल, या फॉल करेगा तभी भी हर कंडीशन में एसी से इसका स्पीड ज्यादा होगा, ठीक है। और ये भी ध्यान रखना है हमें, जब ये फॉल हो रहा होगा, जब एसी हमारा फॉल होएगा तो एमसी हमारा क्या होगा, एमसी हमारा फॉल होके अपने मिनिमम पर आ जाएगा, एमसी भी फॉल होगा और इसके बिलो रहेगा, ठीक है। जैसे हमारे एसी, जो एसी पॉइंट है, एसी कॉस्ट कर्व का जो मिनिमम पॉइंट है, जैसे ही अपने कांस्टेंट पर आता है, मिनिमम पॉइंट पर आता है, एमसी उसको कट कर देता है, और उस पॉइंट के बाद में जैसे ही एसी राइज होना स्टार्ट होता है, एमसी भी उसके साथ राइज होना स्टार्ट होता है, बट एमसी का स्पीड ज्यादा होता है राइज होने का, ठीक है। इस कर्व को मैं आपको यहां पर एक्सप्लेन कर देती हूँ, दिस इज आवर एमसी कर्व, एंड अभी हमारा MC कर्व हुआ और ये हमारा AC कर्व हुआ, दिस इज MC कर्व एंड दिस इज AC कर्व, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, अब हमारा लास्ट टॉपिक, ठीक है, ये हमारा लास्ट टॉपिक है लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हमको ध्यान रखनी है, सबसे पहले तो इसके जो नेम्स होते हैं, क्या क्या नेम्स है, आप लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट को समझ सकते हो, प्लांट कर्व भी बोल सकते हैं, बोर्ड शेप्ड कर्व, प्लानिंग कर्व एंड एनवेलप कर्व, ये सब नेम इसके फीचर्स की वजह से पड़े, क्योंकि ये इसका बोर्ड का शेप होता है, ये एक्चुअली ट्री शेप भी देता है, क्योंकि बहुत सारे एवरेज कॉस्ट कर्व भी शॉर्ट टर्म एवरेज कॉस्ट अपने अंदर रखता है, और एनवेलप कर्व भी इसी वजह से इसका नाम पड़ा है। लॉन्ग रन में देयर is no fixed cost, क्योंकि यहाँ कोई fixed variable होता ही नहीं है, fixed factor होता ही नहीं है, क्योंकि आप change कर सकते हो long run में, तो कोई fixed factor नहीं है, तो कोई fixed cost नहीं होती, only all the costs are variable cost, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा cost over होता है, I hope आपको cost बहुत अच्छे समझ आया होगा, easily समझ आया होगा, तो फिर भी अब आपके कोई doubts रहते हैं, कोई particular topic पर आप चाहते हैं videos, you can comment below, thank you very much everyone।